श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट एवं भारतीय सिंधु सभा के द्वारा सिंधी धर्मशाला दाऊदपुर में अमर शहीद हेमू कालाणी का 95वां जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें विधायक श्री रामगढ़ ज्ञानदेव आहूजा ने अमर शहीद हेमू कालाणी के जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि उन्हें सबसे कम उम्र में फांसी की सजा देकर शहीद किया गया था। हेमू कालाणी सच्चे देशभक्त के रूप में शहीद हुए थे। आज उनके शहीद दिवस पर समाज के सभी पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पुष्प अर्पित किए गए और अमर शहीद हेमू कालाणी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर अध्यक्ष सिंधी समाज तेजूमल रामचंदानी, खुशाल दास पोपटानी, चंदूमल बोधवानी, मीडिया प्रवक्ता महेश निहालवानी, ब्रजेश सुखवानी, सुभाष नेलानी, देवानंद बोधवानी, राजा कौर जनी, विशाल गांधी, भारत बोधवानी सहित समाज के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज भारतीय सिंधु सभा जिला अलवर की तरफ से मतलब जो है अमर शहीद हेमू कालाणी का जन्मोत्सव एवं शहीदी दिवस पर अमर शहीद भगत सिंह जी एवं शहीद सुखदेव जी और शहीद राजगुरु जी का शहीदी दिवस माना, उनको पुष्पांजलि अर्पित की और उनको शत शत नमन किया गया। श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट के पदाधिकारी सभी यहां पर मौजूद हैं। हमारे अध्यक्ष तेजूमल जी रामचंदानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप जी, सचिव ब्रजेश जी सुखवानी, सचिव देवानंद जी, वेला कमेटी अध्यक्ष राजकुमार कोरजानी इत्यादि मतलब जो है यहाँ पर सब मौजूद हैं। हमारे सिंधियों के शहीद जो कि ये कहा जाए कि सबसे कम उम्र के मात्र 19 साल की उम्र में उनको मतलब जो है फांसी दी गई, सिंधियों की शान और सरताज माने जाते हैं। भारतीय सिंधु सभा के बैनर तले ये प्रोग्राम रखा गया है, इसमें मतलब जो है श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट का भी पूरा योगदान।